हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वी आर वेलकमिंग यू टू योर ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन पाठशाला एंड यू आर इन फिजिक्स क्लास। और हम बात कर रहे हैं ईएमआई में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। लास्ट लेक्चर में हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखे। हमने देखा कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसे हम पता कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखना है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तभी एग्जिस्ट करेगी जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में, जैसे कि अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और उसमें कोई रॉड मूव कर रहा है तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, पर अगर रॉड स्टेशनरी है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन जो है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होती, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, सारे कॉन्सेप्ट एक बार वापस से आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। इस लेक्चर में हम इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। ओके, अगर ये लेक्चर आप पूरा ध्यान से समझते हैं तो आपका ईएमआई में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तो कवर होता ही है, रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे कवर होंगे जरा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास एम कैरिंग चार्ज क्यू कैन फ्रीली रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। At the initial moment, the ring was at rest and no magnetic field present. Then a uniform magnetic field was switched on, which was perpendicular to the plane of the ring and increased with the time according a certain law dB by dt equal to k. Find the angular velocity omega of the ring as a function of k. तो यहां पर जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर नॉन कंडक्टिंग रॉड पर चार्ज कितना प्रेजेंट है, क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो जब क्यू चार्ज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स एक तरह का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ओके, जैसे कि हमारे पास में एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ये रिंग हमने कंसिडर किया। ओके, एक रिंग हमने कंसिडर किया, नॉन कंडक्टिंग रिंग, जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्यू चार्ज, टोटल क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ओके, क्यू चार्ज प्रेजेंट है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमने हमने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लगा रखी है, इसे इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी हो रही है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे, और इस केस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है होता है उसका रेडियस आर बाई टू नेगेटिव इंटू डी बी बाई डी टी, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। अगर ये आपको समझना है तो आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। ओके, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे करंट की डायरेक्शन की हेल्प से। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और करंट कैसा फ्लो होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा और उसी डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी सर्कुलेटिंग होगी। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन रिंग, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना होगा, क्यू, क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इंटू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे डी बी बाई डी टी हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये माइनस साइन हम अभी यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हमको डी बी बाई डी टी का भी मैग्नीट्यूड और आर का भी, ये नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं रखेंगे हम, तो आर बाई टू इंटू के। ओके, क्योंकि डी बी बाई डी टी का वैल्यू के है, तो यहाँ पर फोर्स अगर हम देखें तो फोर्स हो जाएगा क्यू आर के बाई टू, ये फोर्स का वैल्यू आ गया। ये फोर्स रोटेशनल फोर्स होगा। ओके, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, विच प्रोड्यूस टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर,
सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, आर। हमने यहाँ पर आर, स्मॉल आर कंसिडर किया है, तो हम इसे स्मॉल आर लिख लेते हैं। ओके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू कितना है, क्यू इंटू आर इंटू के बाई टू इंटू आर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे इंटू अल्फा। जे यहाँ पर क्या है, जे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, और इस जे का वैल्यू होना चाहिए एम आर स्क्वायर। स्मॉल आर हम यूज़ करेंगे, एम आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्यू के आर स्क्वायर बाई टू। जे का वैल्यू पुट करेंगे, हम पुट करेंगे एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, सो क्यू के आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, हमको यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू मिला, एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला। और एंगुलर एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो अब हम उसका ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ओके, ओमेगा हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे ओमेगा, ज़रा देखते हैं। ओमेगा फाइंड करने के लिए हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमें पहले से ही पता होता है। अल्फ़ा पहले हमको पता चला क्यू के बाई टू एम, ये अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। ओके, अब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा इंटू टी होता है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो था, अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता चला क्यू के बाई टू एम इंटू टी, तो दिस इज़ द ओमेगा। ओमेगा कितना आया हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू के टी बाई टू एम। क्यू के टी बाई एम, टू एम। ओके, तो ये इस तरीके से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास एम कैरिंग अ चार्ज क्यू कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस एट टी इक्वल टू जीरो, द रिंग वॉज एट अ रेस्ट। ओके, नो मैग्नेटिक फील्ड वॉज प्रेजेंट। ओके, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। सडनली व्हाट हैपन, द मैग्नेटिक फील्ड बी वॉज सेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एकदम से हमने मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर जैसे ही सडनली का कॉन्सेप्ट आया, वैसे ही हम एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एंगुलर इम्पल्स। ओके, उस पर एंगुलर इम्पल्स लगेगा, और ये एंगुलर इम्पल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, हमको पता है ये कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन के, हमको याद रखना है। अगर हम टॉर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पता चलता है, इट इज़ द एंगुलर इम्पल्स। तो इस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क इंटू टी। अब हम टॉर्क की बात करेंगे, तो फोर्स का वैल्यू हमको पता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा चार्ज क्यू इंटू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्यू इंटू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी। ओके, और टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, टॉर्क होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। सो इट विल बी क्यू आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी इंटू आर। सो इट विल बी क्यू आर स्क्वेयर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी। ये टॉर्क का वैल्यू आया, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम अगर फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इट इज़ एंगुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, और इनिशियल तो ज़ीरो था, उसने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर किया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू कितना आया, क्यू आर स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय टू इंटू डी बी बाई डी टी। ये टॉर्क का वैल्यू आया इंटू डी टी, यहाँ डी टी से डी टी हम कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली हमको मिला जे इंटू ओमेगा क्यू
आर स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी और बी का इंटीग्रेशन जीरो टू बी, स्टार्टिंग में जीरो था और फाइनल बी हो गया। जे को हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, यह हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बाई टू एंड फाइनली इट विल बिकम डी बी का इंटीग्रेशन बी होगा, अपर लिमिट बी लोअर लिमिट जीरो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा हमको मिला क्यू आर बी डिवाइडेड बाई टू एम, दिस इज द ओमेगा। इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट, ओके, अदरवाइज इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, ओह क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से समझना है आपको। अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफेरेंस, द रिंग इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द प्लेन ऑफ रिंग इज पैरेलल टू द सरफेस। हमारे पास में एक सरफेस है, ओके, हमारे पास एक सरफेस है, ये प्लेन हम प्लेन सरफेस कंसिडर करते हैं और इसके ऊपर रिंग, एक रिंग रखा हुआ है, एक रिंग हम कंसिडर करते हैं, ऐसा एक रिंग हमने कंसिडर किया, ओके, एक रिंग हमने कंसिडर किया और मैग्नेटिक फील्ड, द रिंग इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द प्लेन ऑफ द रिंग पैरेलल टू द सरफेस, अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया मान लेते हैं, ओके, तो B इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी स्क्वेयर होगा, ओके, टेस्ला स्विच ऑन आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम स्विचिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड द रिंग इज जस्ट अबाउट टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट सेंटर, इसके सेंटर से वर्टिकल एक्सिस जो पास हो रही है उसके अबाउट ये स्टार्ट कर देता है रोटेट, ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में और इंक्रीज हो रहा है क्योंकि टाइम के साथ में वो इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हमको अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंड्यूस करवाना पड़ेगी, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऊपर से अगर देखते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ओके, तो यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज होगी, ओके, और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अगर इस पर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगी, ऐसा, दिस इज द फ्रिक्शन एंड दिस इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशियंट म्यू बिटवीन द रिंग एंड द सरफेस, ओके, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 इंक्रीज होगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, ओके, टॉर्क की अगर हम बात करें, टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर हम टॉर्क देखेंगे तो चार्ज क्यू इंटू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आर बाई टू डी बी बाई डी टी इंटू रेडियस आर, दिस इज द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आया क्यू आर स्क्वायर बाई टू और डी बी बाई डी टी, बी का वैल्यू कितना है, बी नॉट टी स्क्वायर, ओके, तो यहाँ पर क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई टू बी नॉट तो कॉमन आया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी होगा, टू से टू हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क होगा वो होगा क्यू आर स्क्वायर बी नॉट टी, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क होगा, और अगर हम टॉर्क की बात करें ड्यू टू फ्रिक्शन, ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण अगर हम टॉर्क की बात करें, जरा ध्यान से समझना है, अगर हम फ्रिक्शन के कारण टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी, ओके, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर,
ये म्यू एम जी कब एग्जिस्ट करेगा, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जब वो जस्ट स्टार्ट टू रोटेट। इन दिस केस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शनल टॉर्क म्यू एम जी इंटू आर। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन एट टी इक्वल टू टू सेकेंड, व्हेन रिंग स्टार्ट रोटेट, ओके, जब वो रोटेट करना स्टार्ट होगा तब टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन विल बिकम टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां पर फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है, म्यू इंटू एम जी इंटू आर, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क कितना है, क्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू बी नॉट, और टी का वैल्यू है टू, टी इक्वल टू कितना है टू। ओके, तो यहां से हम म्यू फाइंड कर सकते हैं। म्यू कितना होगा, म्यू इक्वल टू, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ओके, और हमको मिलेगा क्यू इंटू आर स्क्वायर टू बी नॉट डिवाइडेड बाय एम जी आर, एक आर को हम कैंसिल कर देंगे तो हमको मिला टू क्यू बी नॉट आर डिवाइडेड बाय एम जी। This is the value of mu. Okay, is this clear? Now, first problem has solved. पहला problem solve हुआ. इस question को हम next page पे ले लेते हैं. Okay, पहला problem solve हुआ. Second part की हम बात करते हैं. If the magnetic field is switched off after 4 second, then find the angular velocity of a ring just after switching off the magnetic field. अब हमने 4 second बाद magnetic field को switch off कर दिया है, तो उसका actual में 2 second से 4 second तक उसका speed धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो 4 second बाद कितना speed है हमको वही find करना है। okay, तो अगर हम net torque की बात करें, तो torque due to induced electric field माइनस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है पर फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कांस्टेंट है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होता है म्यू एम जी। तो अगर हम नेट टॉर्क विच इज जे अल्फा, टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बी नॉट आर स्क्वायर इंटू टी, यहां से देख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर बी नॉट इंटू टी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आया था, माइनस फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कितना होगा म्यू एम जी आर, और यहां से म्यू एम जी आर का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। म्यू एम जी आर का वैल्यू हमारे पास कितना था, म्यू एम जी आर का वैल्यू हमारे पास था क्यू आर स्क्वायर बी नॉट इंटू टी, या बोल सकते हो कि म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर जे इंटू अल्फा का वैल्यू हमारे पास में आया क्यू बी नॉट आर स्क्वायर इंटू टी माइनस क्यू बी नॉट आर स्क्वायर इंटू टू। अगर हम जे का वैल्यू पुट करें, जो कि हमको पता है एम आर स्क्वायर होता है, भैया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ से q b नॉट r स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे तो t माइनस टू हमको मिलेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, अल्फा यहाँ पर q b नॉट डिवाइडेड बाय m इंटू टी माइनस टू हमको मिला। अब यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो टाइम वेरिंग है, और टाइम वेरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन अगर होता है और हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, हमको कैलकुलस लगाना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी माइनस टू। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम काइनेमेटिक्स के यूज कर रहे हैं। ओके, काइनेमेटिक्स के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फोर्स की बात है।
फोर्स की बात है, टॉर्क की बात है। जब कभी फोर्स और टॉर्क की बात होती है तो काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं, मोशन तो आएगा ही सही। हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, फाइनल इट इज इक्वल टू ओमेगा, इनिशियल टाइम टू, फाइनल इज फोर। ओके, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम इज द कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वेयर बाई टू एंड इंटीग्रेशन टू इज टू टी, लिमिट विल बी टू टू फोर। आगे सॉल्व करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम अपर लिमिट फोर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट टू स्क्वायर बाई टू माइनस टू इंटू फोर माइनस टू। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा हमको मिला क्यू बी नॉट बाई एम, ये हो जाएगा 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 इज 12, 12 बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 4, सो इट विल बी 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। ओके, सो 2 क्यू बी नॉट बाई एम, ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। अब हमने सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया, हमने ओमेगा सॉल्व कर लिया, ओमेगा फाइंड कर लिया आफ्टर 4 सेकेंड, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, सी वाला पार्ट देखते हैं। फाइंड एंगल रोटेटेड बाय द रिंग बिफोर कमिंग टू द रेस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब वो धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण उसका स्पीड कम होगा अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया। ओके, तो कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा, टाइम तो छोड़ो, कितने एंगल रोटेट करेगा वो हमको फाइंड करना, कितना एंगल वो रोटेट करेगा। तो यहाँ पर अब उस पर केवल फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ओनली फ्रिक्शनल फोर्स विल वर्क। ओके, सो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉन्स्टेंट, यू नो वेरी वेल इट इज क्यू, 2qb0r2। ओके, तो जे इंटू अल्फा, अल्फा भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा, इस केस में इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जे का वैल्यू हमको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग mr2 होता है, qb0r2, r2 कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू 2qb0 बाई एम। ओके, हम लास्ट वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन है, ये टॉर्क जो होगा वो फ्रिक्शनल टॉर्क जो होगा रिटार्डिंग टॉर्क होगा, फाइनल ओमेगा जीरो रखना है, इनिशियल ओमेगा नॉट, इनिशियल ओमेगा नॉट हम रख सकते हैं 2qb0 m, ये हमने अभी हाल कैलकुलेट किया था 2qb0 m, तो यहाँ पर 2qb0 m होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा का वैल्यू 2qb0 बाई एम इंटू थीटा, तो यहाँ से थीटा हम निकालेंगे। ओके, ये थीटा है हमारे पास, थीटा हम निकालेंगे, थीटा क्या होगा, इसे थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं, थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पर होगा, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, 2 स्क्वायर मतलब 4q स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई 4qb0 बाई एम, एम स्क्वायर विल बी देयर, सो क्यू 1q विल कैंसल आउट, बी विल कैंसल आउट, एम ऑल्सो विल कैंसल आउट एंड फाइनली वी विल गेट 4 विल कैंसल आउट, फाइनली वी गेट qb0 बाई एम इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।